हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला मोहन थाल या बेसन की चक्की, जो भी कह लीजिए, पर टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल हलवाई स्टाइल, एकदम सॉफ्ट। जैसे ही आप मुंह में रखेंगे एकदम से घुल जाएगा, वैसा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई ज़रूर से करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जब भी अगर आप इसी मेज़रमेंट से, इसी ट्रिक से बनाएंगे, तो हमेशा आपका मोहन थाल जो है वो इसी तरह से बिल्कुल दानेदार, सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाऊंगी, तो ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 कप बेसन, जो नॉर्मल हम बेसन घर में यूज़ करते हैं वही वाला है। अब इसके लिए, जब दानेदार जो टेक्सचर होता है उसके लिए, हम सबसे पहले बेसन में डालेंगे 3 टेबलस्पून दूध। दूध को मैंने गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ है वो लिया है। और इसी में ले लेंगे, मैंने 1/2 कप टोटल घी लिया है, उसमें से मैं 3 चम्मच 3 टेबलस्पून घी पहले से यूज़ कर लूँगी। तो ये जो प्रोसीजर है ये ज़रूर से करिएगा, इसी से हमारे जो दाने दाने जो बनते हैं बाहर के जो मोहन थाल में होते हैं वो इसी से बनते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इस तरह से इसको दबा करके सेट करके 10 से 15 मिनट रख देंगे, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से घी और मिल्क को एब्जॉर्ब कर ले। तो अच्छे से रखने के बाद में 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बेसन थोड़ा सा चेंज हो चुका है कलर और इसका टेक्स्चर भी। तो अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। इस तरह से मसलने से इसके जो दाने दाने जैसा टेक्स्चर है वो हमें मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से एक हाथ से या दो हाथ से आप इस तरह से इसको बेसन को धीरे 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 मसलते जाइए, और आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा दानेदार टेक्सचर आने लगेगा। और अब हमें चाहिए इवन टेक्सचर, तो इसके लिए हम इस तरह की बड़ी छलनी लेंगे, आटे की छलनी नहीं लेना है, हमें दरदरा टेक्सचर वाला चाहिए। इसलिए हम इस तरह से बड़ी जो छलनी आती है वो ले लेंगे और इससे छान लेंगे। इससे हमारा जो टेक्सचर है बेसन का वो परफेक्ट दाने वाला बनेगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अगर आप आटे की छलनी से छानेंगे तो ये टेक्सचर नहीं आएगा। तो इस तरह की बड़ी छलनी से ही छानिए। और यहाँ पे मैंने सारा बेसन छान लिया है, और अगर आप बड़े बड़े जैसे चंक्स रह जाते हैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाइए और छान लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा बेसन अच्छे से एकदम क्रम्बली टेक्सचर वाला हमारा जो बेसन है वो रेडी हो चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए। और अब इस कढ़ाई में जो बाकी जो बचा था, जो 1/2 कप में से घी, वो मैं डाल दूंगी। और लो टू मीडियम, लो फ्लेम पे ही हमें कुक करना है। जो जो बेसन जो मैंने छलनी से छान के रखा था वो डाल देंगे। और अब हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, लो फ्लेम पे आराम से हमें धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाना है और कुक करते जाना है, जब तक इसका एकदम हल्का सा टेक्सचर और कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हल्का हल्का से इस तरह से प्रेस करती जाऊँगी और इस तरह से हमें इसको सेकना है। आपको लग रहा है घी कम है, जी नहीं, परफेक्ट मात्रा में घी है हमारा। तो आप देख सकते हैं बेसन का टेक्सचर चेंज हो चुका है, करीब 7 से 8 मिनट हो चुके थे, अच्छे से भुना गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। तो यहाँ पे जो घर की मलाई रहती है वही मैंने दूध की मलाई 1 कप ली है। तो ये है सब्स्टिट्यूट मावे का, हर बार मावा घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे मलाई। तो यहाँ पे 1 कप मलाई डाली है घर की, और इसको मैं अच्छे से लो फ्लेम पे 7 to 8 मिनट्स तक तो मिनिमम कुक करेंगे, उसके बाद में हम इसका कलर और टेक्सचर चेक करेंगे। तो अगर आपके पास मावा है तो आप 1/2 कप मावा और 1/2 कप घी और ले सकते हैं। अगर आपको मावा नहीं लेना है तो आप इस तरह से घर की मलाई भी ले सकते हैं। घर की मलाई का भी इसी तरह से आप कुक करते जाएंगे तो वो भी अच्छे से घी भी रिलीज़ कर देगी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर दे देगी इसको, बेसन को। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट और हो चुके हैं, हमारा जो बेसन है वो हल्का हल्का सा घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, बट हमें थोड़ा सा डार्क कलर और चाहिए और थोड़ा सा इसका जो अरोमा है वो और अच्छे से आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं टोटली, पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग लास्ट तक कुक करने में, बट पेशेंस है से करिए ज़रूर से, बहुत ही अच्छा सा बनता है। यहाँ पे अच्छे से मैंने कुक हो चुका है, कलर भी आ चुका है, तो मैंने गैस का स्टोव कर दिया है बंद, पर कढ़ाई अभी बहुत ही गर्म है। तो मैं 2 से 3 मिनट इसको बिना गैस चलाए भी इस तरह से हिलाती जाऊंगी, और फिर बाद में हम इसको रख देंगे साइड में। और अब हम कर देंगे चाशनी की तैयारी। तो यहाँ पे 1 कप शुगर ले ली है मैंने, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, और इसको पहले हमें लो फ्लेम पे अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाने तक कुक करना है, और उसके बाद में हमें इसे बनानी है 1 तार की चाशनी। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे मिक्स करते हुए, शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब 2 से 3 मिनट में हमारी जो 1 तार की चाशनी है वो कम्प्लीटली
कुक हो जाती है। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, करीब 3-1 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप उसके बाद में ही उसको चेक करिए। तो यहाँ पे मैं हल्का सा जो चाशनी है वो इस तरह से उंगली में ले लूँगी, इस तरह से आप चेक करिए तो ये देखिए इस तरह का जो एक तार बन रहा है उस तरह की जो चाशनी है वो परफेक्ट है। तो इस टाइम पे हम गैस को कर देंगे बंद और इस जो चाशनी है उसको हम डाल देंगे डायरेक्टली जो कढ़ाई थी उसमें। अभी गैस ऑन नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पे इस चाशनी को इसमें हम डाल देंगे अच्छी तरीके से और अब धीरे धीरे हम इसको बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे जो है चाशनी में जो बेसन में है वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होती जाएगी, इसका टेक्सचर भी चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे से बेसन में चाशनी फैल जाए और कोई गठाने भी ना रहे। और ये देखिए जैसे जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ वैसे वैसे ये कुक अच्छे से थिक होता जा रहा है और आप देखा गैस बंद ही है। अगर आपकी चाशनी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड रह गई है तो ही गैस ऑन करिए, वरना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स करती जा रही हूँ और धीरे 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 ये अच्छे से गाढ़ा भी होता जा रहा है और आप देख सकते हैं इसकी शाइन भी बरकरार है, घी भी अच्छे से रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची का पाउडर, तो यहाँ पे मैंने फ्रेशली ग्रेट कर कूट कर रखी थी तो वो डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से थिक टेक्सचर होने लग गया है। तो इस टाइम पे अब हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी चाशनी परफेक्ट थी इसलिए मैंने कुक नहीं किया है, गरम चाशनी डायरेक्टली डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, परफेक्टली टेक्सचर बन जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक हमको मिक्स करना है या हमारी चाशनी सही से है कि नहीं, तो इस तरह से आप गोला बना करके देखिए परफेक्टली बॉल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप बेसन इस चक्की को या मोहनथाल को सेट करेंगे तो परफेक्टली सेट हो जाएगी। अगर ये बॉल नहीं बन रहा है तो हल्का सा कुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस ट्रे में इसको सेट कर रही हूँ तो इसको मैं अच्छे से घी से ग्रीस कर लूँगी ताकि जो हमारी बेसन की चक्की है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो ग्रीस करी हुई इस ट्रे में अब हम डाल देंगे जो हमारे मिक्सचर हमने रेडी किया था वो। आप देख सकते हैं कितना सारा अच्छे से घी रिलीज़ किया है, हमने जब हाफ कप ही घी डाला था तो लग रहा था कम है बट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हाफ कप घी में भी आप बहुत ही अच्छे से मोहनथाल बना सकते हैं और वो भी एकदम परफेक्ट टेक्सचर वाला और एकदम शाइनी बिल्कुल बाजार जैसा। तो ये देखिए मैं इसको हल्के हल्के से प्रेस कर दूँगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटा ही रख रही हूँ, बाजार में जिस तरह से मिलते हैं उसी तरह की थिकनेस वाले मैं मोहनथाल बना रही हूँ। अगर आपको पतला बनाना है मोटा बनाना है तो आपकी चॉइस है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इवनली अच्छे से इसको स्प्रेड कर लूँगी और मैं यहाँ पर बिल्कुल बाजार जैसी थिकनेस वाला मोटा मोटा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं सेट कर लूँगी और अब लास्ट में मैं इसमें डाली हूँ बादाम और पिस्ता जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट करके रखे थे फ्लेक्स बना करके, तो वो डाल दीजिए और इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि वो भी बहुत ही अच्छे से मोहनथाल में सेट हो जाए। तो ये देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से इसको सेट कर देती हूँ और अब हमें मोहनथाल को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे में सेट हो जाता है या थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है, बट बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल बाजार जैसा मोहनथाल रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी शाइन और कलर बिल्कुल बाजार जैसा है। आप मैंने हल्का सा टच करके देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है। तो अब मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी पीसेस में, तो इसमें भी आपको जितने छोटे बड़े पीसेस चाहिए आप उसमें कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल जो स्क्वायर शेप के मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह के शेप के बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप कर लीजिए कट और यहाँ पे मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम क्लीन हमारी जो प्लेट है वो निकली है, बिल्कुल भी नीचे स्टिक नहीं हुआ है और टेक्सचर तो बिल्कुल बाजार में जो मिलता है दानेदार वाला सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला हमारा जो मोहनथाल है वो रेडी हो चुका है। तो इस दिवाली या आप कोई भी फेस्टिवल हो ना हो जब मीठा खाने का मन करे तो इस तरह का एकदम टेस्टी ऐसा दानेदार मोहनथाल घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको बीच में से तोड़ के भी दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, ये देखिए बिल्कुल दानेदार एकदम टेस्टी ऐसा बाजार जैसा मोहनथाल रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपका कमेंट करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।